हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको कोटा कैसे इनेबल करते हैं ये बताऊंगा, कोटा यूज़र पे कैसे लगाते हैं ये बताना है इस टॉपिक पे। तो अभी क्या है कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो सर्वर है, ये स्टैंड अलोन सर्वर है, यानी इसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल नहीं है। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स पे कैसे कोटा अप्लाई करते हैं किसी यूज़र के लिए ये सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी ड्राइव पे जिस पे आपको कोटा लगाना है उस ड्राइव पे जाना होगा। उससे पहले एक हम यूज़र बना लेते हैं। यूज़र बनाने के लिए आप मैनेज से यूज़र बना सकते हैं, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स यूजर्स, राइट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, यूज़र का नाम देंगे और यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देंगे। क्रिएट, यूज़र बन गया है अनिल यूज़र। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अनिल यूज़र को मैं 10 MB का या 100 MB, 100 MB का यूज़ स्पेस इस ई ड्राइव के पे देना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ई ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे, ड्राइव की प्रॉपर्टी पे ऑप्शन आ रहा है कोटा, कोटा रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्क कोटा आर डिसेबल्ड, तो कोटा इनेबल करने के लिए आपको इनेबल टैब पे क्लिक करना होगा, चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। देन नीचे ऑप्शन आ रहा है डिनाई डिस्क स्पेस टू यूजर्स एक्सीडिंग कोटा लिमिट। अगर ये आप टिक नहीं लगाते हो तो कोटा आपका इनेबल तो हो जाएगा पर अप्लाई नहीं होगा यूज़र पे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो सेकेंड ऑप्शन है डिनाई डिस्क स्पेस, इसको ज़रूर लगाएं। इसको लगाने पे ही आप लिमिट सेट कर पाओगे। तो यहाँ से आप लिमिट दे रहे हैं, लिमिट जितनी लिमिट देनी है उतनी आप लिमिट दे सकते हैं। मैं यहाँ 100 MB दे रहा हूँ, 100 MB। देन फर्स्ट लिमिट है लिमिट डिस्क स्पेस टू 100 MB एंड सेट वार्निंग। पहला ऑप्शन यूज़ होता है हार्ड कोटा के लिए और सेकेंड ये ऑप्शन जो यूज़ होता है वो सॉफ्ट कोटा के लिए होता है। यानी कि जैसे ही यहाँ मैं हमेशा ये जो लिमिट ऊपर वाली लिमिट है, नीचे वाली लिमिट हमेशा ऊपर वाली लिमिट से थोड़ा कम होना चाहिए। ये इस वजह से कि जैसे ही 90 MB पे 90 MB तक का ड्राइव का स्पेस कंज्यूम हो जाएगा, वैसे ही एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आप 90% ऑफ द स्पेस यूज कर चुके हो। तो सेकेंड वाला ऑप्शन जस्ट वार्निंग के लिए होता है। वार्निंग जो होता है वो सॉफ्ट कोटा कहते हैं इसे, और ऊपर 100 MB जो मैंने दिया दैट इज हार्ड कोटा। यानी 100 MB पे डेटा, उसके ऊपर आप डेटा ड्राइव में रख नहीं पाओगे। अगर आप लॉग जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से लॉग ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। पहला लॉग ऑप्शन है कि जैसे ही एक्सीड करेगा कोटा लिमिट से तब लॉग जनरेट करेगा, और ये ऑप्शन है जैसे वार्निंग लेवल पे एक्सीड करेगा तब लॉग जनरेट करेगा। तो दोनों मैंने टिक कर दिया है। देन आगे आप देख रहे हैं कोटा एंट्री, इस टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोटा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन न्यू कोटा एंट्री। यहाँ से आपको यूज़र सेलेक्ट करना होता है कि किस पर्टिकुलर यूज़र पे कितना आपको स्पेस देना है। तो क्लिक करते हैं, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फाइंड नाउ। ये ऑप्शन इसलिए मैंने सेलेक्ट किया कि आपको यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करना है। तो यूज़र अनिल है, अनिल यूज़र को सेलेक्ट करके ओके करते हैं, देन ओके करते हैं। फिर यहाँ से आपको अनिल के लिए कितना स्पेस देना है, तो वही वाला स्पेस जो हमने वहाँ पे सेट किया है वही सारा स्पेस यहाँ पे देंगे, देन ओके क्लिक करेंगे और यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे। अप्लाई, कोटा सेट करने के लिए अप्लाई बटन क्लिक करेंगे और इनेबल करने के लिए ओके करेंगे, देन ओके। इस तरीके से ये कोटा सेट हो चुका है एक यूज़र पे। ड्राइव ई है, यूज़र अनिल है, यानी कि अनिल यूज़र जब भी अपने यूज़र से लॉगिन लेगा तो ड्राइव जो ई है, अभी यहाँ आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 998 MB है, पर जैसे अनिल लॉगिन करेगा उसके लिए ये 100 MB शो करेगा। तो एक बार लॉगिन लेके देखते हैं अनिल से, लॉग ऑफ करते हैं, देन अनिल यूजर से लॉगिन करते हैं।
प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप, फर्स्ट टाइम लॉगिन ले रहा है इसलिए प्रोफाइल जनरेट हो रही है यूजर की। प्रॉपर पर्सनलाइज ऑप्शन, जितने डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं उनको मैं जहाँ सेट करता हूँ। कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ई ड्राइव है, 99.9 MB फ्री है 100 MB में से, तो ये कोटा लगा है इसी वजह से ये ई ड्राइव 100 MB शो कर रहा है अनिल के लिए। तो ये था कोटा ड्राइव पे और यूज़र पे, कैसे सेट करते हैं कोटा यूज़र और ड्राइव पे। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।